असलमकम वरमी वबरकू नमदूनसली रसूलकरीम अम्माबाद फ़आज़बिल्लमिनजीम बसमीम ली सदरी व ली अमरी वहदतिल्लसानी कौली कोई भी मौसम हो इंसान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो भी वक्त अल्लाह ताला दे मोहलत दे उसको फजूल शिकायत में ज़ाया ना करे बल्कि कुछ ना कुछ काम बेहतर करता रहे और ये जो हमारी सीरीज़ है फैमिली सेंटर्ड पेरेंटिंग की इसमें भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि पूरे ख़ानदान को साथ लेकर हम अपने बच्चों की तरबियत सही तरह से कर सकें यानी उन पहलुओं को मज़ीद बेहतरी के साथ समझ सकें आज हमने बहुत अहम टॉपिक पर इस सिलसिले में बात करनी है झूठ और सच का फ़ैसला करना है सौ अहदीस की किताब है और आज की हदीस ये है

तो अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपना खाना और अपना पीना छोड़ दे जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो अहदीस हमारे पास आ रही थी वो रमज़ान के मुतलक थी लेकिन ये सिर्फ रमज़ान पे ही नहीं है कि यानी रमज़ान के वक्त में हमने सुबह की बरकत समेटनी है रमज़ान के वक्त में हमने अपनी नीयत की दुरुस्ती करनी है रमज़ान के वक्त में हमने झूठ बोलना छोड़ देना और बाकी टाइम में जो हमारा दिल चाहता है हम वो करते रहें हम में से कोई शख्स भी अपने आप को सीजनल मुसलमान ना बनाए कि वो वक्ती तौर पे एक मौसमी किस्म का असर हम पे आए जोश वलवला आए हम देखने में मुसलमान लगे बहुत सारे काम मुसलमानों वाले करें और फिर जो हमारा दिल चाहता है जो रेगुलर कोई क्राउड कर रहा है जो लोग जैसे रह रहे हैं जो हमें नॉर्म्स बता रहे हैं उसके मुताबिक चलना शुरू हो जाए तो यहाँ पर अब आप देखें कि इबादात को किस कदर ख़ूबसूरती के साथ एक लिपट में लिया गया है कि इबादत सिर्फ रिचुअल नहीं होती है कि हमने रिचुअल को कर लिया लेकिन जो उसकी रूह है उसको छोड़ दें आपको दुनिया में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कि रूह पकड़ लेते हैं और रिचुअल छोड़ देते हैं यानी हमें दोनों चीज़ों के अंदर एक इतदाल को लाने की ज़रूरत है ना हम एक बहुत इस तरफ की एक्सट्रीम पे जाएं ना उस तरफ की एक पे जाएं हमें रोज़ा भी रखना है रोजे की कितनी अहमियत है और रोज़ा रखते हुए हमें खाना पीना भी छोड़ना है लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने अखलाक अपने मैनरिज़म अपने कैरेक्टर के ऊपर भी काम करते चले जाना है तो यहाँ पर आप देखें कि बात की गई है सच और झूठ की और झूठ को छोड़ने की कि झूठ के बारे में इंसान के अंदर मोहतात रवैया हो जैसे कि एक बहुत खूबसूरत हदीत है जिसमें वसल्लम ने वज़ात से ये फरमा दिया है कि जो इंसान सच बोलता है सच्चाई इंसान को जन्नत के रास्ते पे ले जाती है और इंसान काम करता जाता है सच्चे काम सच्चाई के साथ और उसे पता भी नहीं चलता कि वो सच बोलते बोलते सिद्दीक भी लिख लिया जाता है और उस रास्ते पे चल रहा होता है और जो शख्स झूठ बोलता है वो अपने लिए खुद ही गलत रास्ता चुन लेता है और उसको पता नहीं चलता कि वो झूठ बोलते बोलते एक तो झूठे के तौर पे रजिस्टर हो जाता है और वो अपना रास्ता भी जो है वो जहन्नम की तरफ का इख्तियार कर चुका होता है फिर हमें एक जो हदीस है उससे यह भी पता चलता है जिसमें रसूल ने मुनाफिक की चार निशानियां बताई हैं उनमें से एक ये है कि जब वो बोले तो वो झूठ बोले जब वो वादा करे तो वादा खिलाफी करे जब वो किसी के साथ एहद करता है तो वो उसको तोड़ देता है और लड़ाई झगड़ा भी वो करता है तो अब आप देखें कि झूठ एक ऐसी खसलत है जिसके बारे में हमें बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की वार्निंग मिलती है यहाँ तक कि मज़ाक में भी झूठ बोलने को जो है वो पसंद नहीं किया गया है यानी ऐसा शख्स जो है उसके लिए एक लानत है या उसके लिए एक उसके लिए अफसोस का इजहार किया गया है कि जो लोगों को हंसाने के लिए जो है वो झूठ बोले क्यों इसलिए कि जब इंसान को झूठ बोलने की आदत पड़ जाए या इंसान झूठ को कैजुअल लेना शुरू कर दे तो फिर उसके वो कोई लिमिट नहीं ड्रा कर सकता यानी आप जब तक एक बाउंड्री नहीं ना सही तरह से बनाते दीन के मामले में कि कहां पर अल्लाह का हुक्म है और कहाँ तक मुझे बिल्कुल फुल स्टॉप लगा लेना है तो फिर आप क्या करेंगे और ये सिर्फ सच और झूठ के मामले में नहीं है ये हर मामले में है आपको अपने आप को वाजे करना पड़ेगा अल्लाह ताला का हुक्म जो है वो कहां तक है अगर आपको लगता है कि आपके घर के हालात वाक्यात ऐसे हैं कि कोई चीज आपसे फॉलो नहीं की जा रही तो जाहिर है आपको उसके लिए मेहनत करनी है लेकिन कम अज कम एक फार्मूला हमारे जहन में हो कि हम किसी बात को जस्टिफाई ना करें हम जैसे देखते हैं कि बहुत से लोग ये बात करते हैं वो हदीस से ही उसका निचोड़ लेते हैं कि किसी इंसान की अगर लड़ाई हुई भी है उसकी सुलह कराने के लिए झूठ बोला जा सकता है लेकिन वो भी ऐसा झूठ नहीं है कि आप बिल्कुल वजाहत के साथ बिल्कुल घड़ी घड़ाई की बात कर रहे हैं और आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं मसलन किसी शख्स की कोई लड़ाई झगड़ा है वो वाली बात इस तरह से की जा सकती है जैसे आम, कोई ऐसा जुमला जो उसने इस वक्त ना कहा हो लेकिन कुछ अर्सा पहले कहा हो या अगर उसने कोई बुरी बात की है तो उसको बीच में से थोड़ा सा हजफ कर दिया जाए यानी कि बात को उसकी इंटेंसिटी से ज़रा कम या ज़रा बेहतर बना के ताकि ताल्लुक बेहतर हो जाएं लेकिन जो काम किसी ने किया ही नहीं या उसका इरादा ही नहीं था उसको नहीं सरा प्रजेंट किया जा सकता जैसे किसी ने मुझसे एक दफ़ा यह भी पूछा कि फ़र्ज़ करें कोई पूछता है कि जी वो तो मेरे बारे में अच्छा गुमान नहीं रखती और मुझे हंड्रेड पता है कि वो अच्छा गुमान नहीं रखती और अगर मैंने ये हाँ कर दिया तो वो तो उनकी और लड़ाई हो जाएगी मैं क्या करूं मतलब कहाँ से कोई वो सच लेके आऊं जिसमें उसने कोई अच्छी बात की हो तो मैंने उनको कहा कि आप वहां पे अपना गुमान दे दें कि मेरा नहीं ख्याल कि वो आपके बारे में इस तरह का सोचता है लेकिन ये ना करें कि आप कोई झूठ बोलें क्योंकि देखें पहली दफा में आप सुलह सफाई के लिए जो है वो झूठ बोलेंगे फिर कोई लतीफे में झूठ बोलेंगे फिर आपको लगेगा कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और आप झूठ बोलना शुरू कर देते हैं फिर आगे से आगे इंसान जो है वो बढ़ता चला जाता है अब यहाँ पर हम जैसे कि फैमिली की बात करते हैं तो जब हमारे ख़ानदानों में हमें झूठ नज़र आता है तो हमें बड़ी परेशानी होती है हम वाकई कहते हैं कि अब इस सिलसिले में हम क्या करें सबसे पहले हम बच्चों पे बात करते हैं हमें देखना होगा कि हम अपने बच्चों को कोई ऑनेस्ट ऑल्टरनेटिव जो हैं वो कैसे दें यानी उनको क्या तरीका अपनी ज़िंदगी में सिखाएं उनके अंदर ये सोच पैदा हो कि हमने सच बोलना है हमने सच की तरफ जाना है सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं किन वजूहत की वजह से झूठ बोलते हैं बहुत लंबी लिस्ट है आपके सामने मसलन रोल मॉडलिंग अगर गलत हो रही होती है ये ज्यादातर तो वालदे की तरफ से जाती है कई दफ़ा उनके अपने मामला होते हैं यानी बच्चों को वो दर्श दे रहे हैं बच्चों को बड़ी चीजें सिखा रहे हैं लेकिन बच्चों को नजर आ रहा होता है कि वो खुद अपने मामला में या कभी कभी बच्चों के सामने भी झूठ बोल रहे होते हैं फिर बच्चे कई दफ़ा किसी चीज़ को झूठ समझते ही नहीं हैं वो उनके नज़दीक एक नॉर्मल सी बात है कि मैंने अगर कोई बात है डांट से बचने के लिए या कोई कैजुअल सी बात में हाँ बोलना था तो ना बोल दिया तो वट्स द बिग डील इन दैट बच्चे अपने पर्सनल गेन के लिए अपने फ़ायदे के लिए भी जो है वो झूठ बोल देते हैं फिर ये कि कुछ लोगों की एक दिमाग ही ऐसे चलता है कि उनको लगता है कि हमने उल्टी ही बात करनी है कुछ लोगों को ये फिक्र होती है कि हमें कोई बहुत हायर एक्सपेक्टेशन है उसको मैच करना है आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि बच्चे रिपोर्ट कार्ड होता है या कोई टीचर ने डायरी में कुछ नोट लिखा हुआ होता है और उसको फाड़ देते हैं जब वो माँ पूछती है कि पेज फटा हुआ है तो झूठ बोल देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि हमारी कोई कंप्लेन है या कोई ऐसा मामला है और पेरेंट्स की बहुत हायर एक्सपेक्टेशन है उसको हम कैसे मैच करेंगे फिर इसी तरह से कई दफ़ा बच्चे अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं जब वो दरमियानी रास्ते कोई निकालते हैं जिसकी वजह से जो उनकी ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक काम कर सकें तो वो झूठ का सहारा ले लेते हैं कई दफ़ा कुछ ऐसी सिचुएशंस बच्चों की जिंदगी में आ जाती हैं जहाँ पर वो अपनी इमेज को ख़राब नहीं करना चाहते तो अपनी इमेज को बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं पीयर प्रेशर एक बहुत कॉमन वजह है जिसकी लिए झूठ बोला जाता है क्योंकि फ्रेंड्स भी बोलते हैं या ये कि जो फ्रेंड्स चाहते हैं बच्चे वो करना चाहते हैं और घर में उनको एक और तरीका सिखाया जा रहा होता है तो वो फिर चाहते हैं कि हम फ्रेंड्स में भी फिट इन हो जाएं अपने वालदेन के साथ भी हम अच्छे ताल्लुक के साथ रह सकें तो वो फिर क्या करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जब उनको सही तरह से सिचुएशंस को हैंडल नहीं करना आता तो वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं स्पेशली खासतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं वो फैंटिसाइज करते हैं बहुत सी बातों को उसमें भी वो झूठ बोलते हैं जैसे अगर वो कोई पावर ऐसा फिगर है जिसके बारे में वो पढ़ते हैं मूवी देखते हैं उसके कार्टून देखते हैं तो वो आपको आके बताते हैं मैं भी सुबह उड़ कर फला जगह गया या मैंने ऐसा कोई काम किया तो वो भी एक झूठ की शक्ल होती है अपनी सेल्फ इस्टीम को हाई करने के लिए वालदेन के सामने ना बोलें फ्रेंड्स के सामने बोल सकते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारे पास ये है हमारा ख़ानदान ऐसा है हमने तो ये किया मुझे याद है कि चंद साल पहले मेरी एक जाने वाली थी उन्होंने बहुत कंसर्न से मुझे कहा कि मेरे बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप बेशक हमें कराची ले जाएं और हम फिर अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि हम दुबई या यूके या कहीं और गए हुए थे हम थोड़ी सी शॉपिंग कर लेंगे अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते या किसी ज़्यादा अच्छे मुकाम पे नहीं जा सकते कहीं तो हम ताकि उनको शो करें कि हमने हमने भी कोई वेकेशन दी है लेकिन हम उनको ये नहीं बताएंगे कि हम कराची गए हैं क्योंकि हमारे बहुत से फ्रेंड्स तो बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं फिर थ्रिल के लिए बच्चों का जो होता है झूठ बोलना होता है ख़ासतौर तो पर यह थ्रिल के लिए झूठ बोलना टीन में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है जब बच्चे किसी से डरते हैं जूते से मार से या ये कि किसी रिस्ट्रिक्शन से तो टीचर के सामने भी झूठ बोल देंगे तो अथॉरिटी के सामने वालदान के सामने झूठ बोल देंगे जब वो कॉन्सिक्वेंसिस को फेस नहीं करना चाह रहे होते हैं तो फिर भी झूठ का सहारा लेते हैं या ये कि कुछ ख्वाहिशात उनकी ऐसी होती हैं जो वो बहुत डेस्परेट होते हैं उनके मामले में और उनको हासिल करने के लिए वो कोई भी झूठ बोल सकते हैं तब आप देखें बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे पास अगर हम इनको एक्सप्लोर करना शुरू करें जिनकी वजह से बच्चे झूठ बोलते हैं इससे ये पता चलता है कि आपके सामने आपके बच्चे जो हैं वो कभी ना कभी ज़िंदगी में झूठ बोलेंगे कभी छोटे झूठ बोलेंगे कभी बड़े झूठ बोलेंगे तो उस पर अपसेट नहीं होना बल्कि उनकी तरबियत करनी है क्योंकि आप ये याद रखें कि बच्चे जो होते हैं ना, वो भी इमेच्योर भी होते हैं कच्चा जहन होता है कच्ची सोच होती है एक्शंस भी बहुत ज़्यादा उनकी ग्रिप नहीं होती तो ऐसा नहीं कर लेना चाहिए कि बच्चे ने झूठ बोला तो जो मैंने अभी आपको हदीस सुनाईया हम झूठ के बारे में मेंदीस ऐसी सुनानी शुरू करते हैं और उनका बिल्कुल मोरल डाउन कर दें हमें लगे कि मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो गई और मैंने तो इनकी शायद कोई तरबियत ही नहीं की इट्स ओके okay. यही लर्निंग प्रोसेस है जिससे हमें लेकर बच्चों को आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा इसको फर्दर डी करते हैं और देखते हैं कि जब छोटे बच्चे यानी टॉडलर्स और प्री स्कूलर्स जब झूठ बोलते हैं जिनकी एज दो से चार साल के दरम्यान है तो उनकी क्या सिचुएशन होती है क्योंकि बच्चे ये जो इस एज में होते हैं ना एक तो लैंग्वेज को डेवलप कर रहे होते हैं तो जब वो लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उनको कई दफ़ा आइडिया नहीं होता कि ये सच है या झूठ है तो वो बहुत सारी स्टोरीज बना बना कर आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं कुछ उनकी ख्वाहिशात होती हैं कुछ वो फैंटिसाइज कर रहे होते हैं कुछ बातों से उनको डर लग रहा होता है कहीं पे वो डे ड्रीम भी कर रहे होते हैं तो उनको इन चीज़ों का भी फ़र्क जो होता है भी इतना ज़्यादा पता नहीं होता इस एज में बच्चे होते हैं ये अपने आप को इंडिपेंडेंट भी कर रहे होते हैं और उनकी बहुत से मामला में फिर पावर स्ट्रगल भी चल रही होती है अपने पेरेंट्स के साथ तो पेरेंट्स को क्या करने की ज़रूरत है कि इस एज में दो से चार साल में जब आपको लगता है कि आपका बच्चा कोई भी ऐसी बात कह रहा है जो सच नहीं है तो बजाय इसके कि उसको फ़ौरन कटहरे में खड़ा करके हम बताएं झूठ बोला झूठ बोला खबरदार आइंदा झूठ बोला बच्चा बहुत छोटा है अभी इस तरह की बात नहीं समझ सकता आपने बहुत एक डिप्लोमेटिक तरीके से रिस्पॉन्स देना होता है बच्चे ने मसलन वही जो मैंने आपको मिसाल दी कहा कि मैं उड़ा तो आपने वही बात की रियली अच्छा वाकई आप कैसे उड़े तो फिर आप उनको कोई हकीकत पर मबनी बात बता सकते हैं कि आपको पता है कौन कौन उड़ सकता है मसलन चिड़िया उड़ सकती है या बर्ड कोई और उड़ सकता है या एरोप्लन उड़ सकता है तो वो कहते मैं भी उड़ा था तो आपके आप ख्वाब में उड़ सकते हैं हाँ जन्नत में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो आपका दिल चाहेगा आप कर सकेंगे वह आप उड़ सकते हैं जहाज के अंदर बैठ के आप उड़ सकते हैं लेकिन आपके पर नहीं हैं या आपके पास वो कैपेबिलिटी uh, भी नहीं है कि आप उस तरह से उड़ सकें तो उनको बड़े अच्छे अंदाज में एजुकेट किया जा सकता है तो इस उम्र के बच्चों को हम सजाएं नहीं देना शुरू कर देते जब वो झूठ बोलते हैं लेकिन हम उनको साथ साथ अच्छे अंदाज में सिखाते हैं कि सच कैसे बोला जाता है इसके अलावा हम उनको हर अपरचुनिटी जो भी उनकी ज़िंदगी में होता है हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर क्या झूठ है और वो क्यों ठीक नहीं है दुरुस्त नहीं है और उससे हमें कैसे अपने आप को बचाने की ज़रूरत है ये भी हमें इसी उम्र से बच्चों को सिखाने की ज़रूरत होती है कि अगर बच्चा झूठ बोल कर आपसे कुछ भी हासिल करना चाहेगा तो वो उसको नहीं मिलेगा बल्कि जब वो सही तरीके से काम करेगा तो वो चीज़ उसकी पूरी हो सकती है बच्चे से ग्लास टूट गया और उसने कहा मैंने तो नहीं तोड़ा तो आप कहें कि इट्स ओके okay, कभी ग्लास टूट भी सकता है चलो आओ हम इसको पहले मिलकर समेट लेते हैं और फिर हम जो है वो जो करने का काम है जो कुछ भी है हम वो देख लेंगे तो उससे ये हो जाता है कि बच्चे को पता चल जाता है बल्कि ये भी सिखाया जा सकता है कि जब कोई चीज़ आपसे टूटती है तो आप ज़रूर शेयर कर लें ताकि आप अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं ताकि हम आपको हेल्प कर सकें जिस चीज़ में आपको डर लग रहा हो कि पता नहीं मामा बाबा को बतानी चाहिए कि नहीं तो वो ज़रूर बता दें इस तरह से करके हम उनको आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई की तरफ जो है वो लेकर जा सकते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम आते हैं स्कूल के जो ये गोइंग बच्चे होते हैं जो कि ज़रा बड़े हो जाते हैं जैसे पाँच साल से आठ साल की उम्र तक के बच्चे हैं। तो अब आप ये देखेंगे कि ये बच्चे जो हैं ये ज़्यादा झूठ की तरफ आ जाते हैं क्यों इसलिए कि जो उनको चाहिए है, वो हासिल करना चाहते हैं ये स्कूल से रिलेटेड हो सकती है कोई चीज़ कोई क्लास का है काम कोई होमवर्क से रिलेटेड है टीचर से रिलेटेड है फ्रेंड से रिलेटेड है यानी जहाँ पर उनको लगेगा कि वो किसी भी तरीके से जो वो मकसद है उसको पूरा करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे तो वो झूठ बोल सकते हैं और ये जरूर याद रखिएगा कि झूठ जो है ऐसे हम कहते हैं इसके पाओ नहीं होते बल्कि सर पैर भी नहीं होता क्योंकि झूठ एक दफ़ा तो इंसान बोल लेता है लेकिन अब उसको कैरी करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वो जो है आहिस्ता आहिस्ता छुपाना तो सीख लेते हैं लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी अपनी मुश्किल होती चली जाती है और ये भी याद रखिएगा कि इस एज में जो बच्चे झूठ बोल रहे होते हैं ये इनको जिसे कहते हैं डिटेक्ट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता इस उम्र में बच्चे झूठ बोलते हुए जल्दी पकड़े जाते हैं अब इस एज में भी हम क्या करें बच्चों से ओपनली बात करें और बच्चों को स्टोरीज़ वगैरह सुनाएं और जहाँ पर बच्चा सच बोल रहा है उसकी तारीफ़ करें उसको पॉजिटिव किस्म का फीडबैक दें स्टोरीज़ के ज़रिए उनको बताएं कि जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती है इंसान की ज़िंदगी में जो मैंने आपको बता दिए स्कूल का कोई मसला हो गया होमवर्क नहीं किया था या ये कि टीचर ने कुछ कह दिया या टीचर ने घर में कुछ बात बतानी थी या दोस्तों के साथ कुछ मामला हो गए तो उनको झूठ बोले बगैर कैसे हैंडल किया जा सकता है और ये याद रखिएगा कि ये इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं ना बड़े कीन ऑब्ज़र्वर्स होते हैं तो ये ज़रूर देख रहे होते हैं कि हम कैसी रोल मॉडलिंग कर रहे हैं वैसे तो हमें कोई छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो न्यूबॉर्न भी हो उसके सामने भी झूठ नहीं बोलना लेकिन इस उम्र के जो बच्चे आ जाते हैं इनके मामले में तो ख़ास तौर पर हमें ज़्यादा मोहतात रहना होता है तो जितना मर्ज़ी आप बात कर लें सच्चाई की अहमियत के बारे में उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में लेकिन अगर आप कहीं पे भी डिसऑनेस्ट हैं झूठ बोल रहे हैं तो आपका मैसेज बिल्कुल ख़त्म हो जाता है फिर ये कि जब कोई ट्रिकी सिचुएशन होती है जैसे आप अपने बच्चों को कोई स्पेशल किस्म का स्ट्रॉगर ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज होता है वो दे सकते हैं फिर हम इससे ज़रा बड़ी उम्र में आते हैं जैसे नौ साल से लेकर बारह साल तक की उम्र है ये वो बच्चे होते हैं जबकि अगर उनको आपने सही पाथ पे लगाया जैसे कि शुरू की हदीस में हमने बात की थी तो ये हार्ड वर्किंग भी होते हैं ट्रस्ट वर्दी भी होते हैं और ये अपनी आइडेंटिटी को भी इस्टेबलिश कर रहे होते हैं साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि अब ये झूठ को अगर इनकी ज़िंदगी में मौजूद हो किसी हद तक तो होता है तो ये उसको बड़े आराम से मेंटेन करके लेके चल जाते हैं उनको ये भी पता होता है कि हम जो भी गलत काम करेंगे उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उनके अंदर गिल्ट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है तो ऐसे बच्चों के साथ अब हमने क्या करना होता है थोड़ी ज़्यादा बातचीत करनी होती है उनको बताना होता है कि किसी भी कलर का झूठ हो रेड ब्लू ग्रीन वाइट हम झूठ को एक झूठ ही समझते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता यानी डिसऑनेस्टी को हमने एक्सेप्ट नहीं करना लेकिन बताने का अंदाज़ अभी भी हमारा पोलाइट ही होना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हम बच्चों से बात करें ताकि बच्चों को हम कोई किसी किस्म का मिक्स मैसेज ना दें और बच्चों को भी मौका ना मिले कि हमें मिक्स मैसेज दें रोल मॉडलिंग हमें अभी भी करनी होगी उसके अलावा बच्चों को जो डिफ़िकल्ट उनकी ज़िंदगी में चैलेंजिंग सोशल सिचुएशन होती हैं इंटरेक्शन होती हैं उसके लिए गाइड करना है क्योंकि जब बच्चों से कोई सिचुएशन नहीं हैंडल हो रही होती है तो फिर वो झूठ का सहारा ले रहे होते हैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस उम्र के लिए तो ख़ास ख़ासतौर तो पर आपको होशियार रहना पड़ेगा के थोड़े बहुत झूठ बच्चे बोलेंगे कई दफा बड़े झूठ भी बोल देंगे जैसे फ़ोन के मामले में झूठ बोलेंगे इस उम्र के बाद टूवर्ड जैसे चौदह साल के करीब आके कभी कभी जैसे नॉन महरम से बातचीत भी कर रहे होंगे या यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे जाकर कोई ना कोई गलत चीज़ भी थोड़ी बहुत एक्सप्लोर कर रहे होंगे देख रहे होंगे कोई उन्होंने इंस्टाग्राम या ऐसे छुप के अकाउंट्स भी बनाए हुए होंगे तो इस तरह की चीज़ें आएंगी आपके सामने यानी कहने का मतलब ये कि आप तो बच्चों को समझाते रहें कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है ये काम आपने नहीं करना है लेकिन अपने लिए याद रखें कि इस उम्र में बच्चों ने कुछ तजर्बे कर नहीं हैं और वो आपके सामने आएंगे और जब आएँ तो अपसेट बहुत ज़्यादा होने के बजाय या उनको बहुत ज़्यादा क्रश करने के बजाय उनको समझाना है उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना है और उनकी रहनुमाई करनी है कि अब वो आगे क्या करें किस तरह से उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और इसीलिए वहाँ पे ये ज़रूर सोचते हैं कि उन्होंने झूठ क्यों बोला और उसको किस तरह से फिर हैंडल किया जा सकता है